नमस्कार सर। नमस्ते सर, 2 दिन से सोलापुर जिले का आपका दौरा है, आप बहुत से जगह घूमे हैं, आपको कैसा लगा, क्या एनालिसिस है आपका, क्या है कांग्रेस के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए आपकी क्या न्यूज है और आप क्या आगे उनके लिए, किसानों के लिए क्या क्या आप करने वाले हैं, जो जिसकी वजह से आपको चुनाव में आगे आने के लिए वो सीधा ये होगा, फायदा होगा। देखिए, लोगों को, भोले भाले लोगों को, देश के भोले भाले लोगों को मोदी जी जो है झूठों का सरदार है। किसानों को 15 लाख रुपए देता हूं खाते पे, ऐसे बहुत से वादे किए हैं, समझे, वो वादे उसने पूरे नहीं किए। भोले भाले लोग उस पे विश्वास रख के उन्हें अधिकार दिया, अधिकार पावर में आने के बाद तो पूरा वो सरकार अंबानी अदानी का सरकार बन गया, ये जनता का सरकार नहीं है, अंबानी अदानी का सरकार है ये। उसलिए जन जागृति के लिए हमारे नेता सबका लाडला राहुल जी गांधी पाद यात्रा निकाले हैं, वो पाद यात्रा देख के सभी को, जनता को जागृत कर रहे हैं, समझे। इसका जो भी है मोदी का सच्चाई जनता के सामने आया है और आने वाले दिनों में वो यही जनता जो मोदी को अधिकार दिया है, यही जनता उसको सबक सिखाएगी। आने वाले दिनों में देश में कांग्रेस का सरकार होगा, हमारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ये आज ही मैं आप भविष्यवाणी करता हूँ। जनता का सैलाब है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमारे कांग्रेस के साथ दे रहे हैं। आज तक जो भी बना है कांग्रेस वाले ने केस हुए, वो सभी करे सो मैच किया, जो बोलता है झूठों का सरदार, समझे। अब जन जागृत हो गया है, अब इसका झूठे वादे, झूठे आश्वासन कुछ नहीं चलेगा, ड्रामाबाजी जो कर रहा है कुछ चलेगा नहीं, आने वाले दिनों में जनता उसको समझ सिखाएगी। महाराष्ट्र के आप प्रभारी समन्वयक है, तो बीच में जब भारत जोड़ो यात्रा जी राहुल गांधी जी ने निकाली थी तब पूरे देश घूमे थे, लेकिन महाराष्ट्र से नांदेड़ से होके वो आगे गए, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में वो नहीं आए, ऐसा एक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में ऐसा एक चर्चा चल रहा है, किसकी बोलेंगे, ये बात नहीं है। पश्चिम महाराष्ट्र जो डिस्ट्रिक्ट नजदीक होता है, रूट बनाए सो है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पाद यात्रा है उनका रूट बनाए सो है, उसी रूट से चलने के लिए, और हर पश्चिम महाराष्ट्र के लोग भी आगे जाके हम मिले हैं, सभी लोग आए हैं महाराष्ट्र के, जहां पर भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता है सभी को मिले हैं, और अब सोलापुर जिला अकोला में मिले हैं, ऐसा जो भी रास्ते में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहां जहां प्रोग्राम हुआ है वहां वहां गए हैं, और बहुत से लोग पश्चिम महाराष्ट्र के लोग नांदेड़ आए हैं वहां पर भी मिले हैं, समझे। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जो राहुल जी के पाद यात्रा में शामिल नहीं हुआ बोल के जो अपवादे है ये झूठे हैं, समझे, ये अफवाह फैलाने वाले की चाल है। और रही बात किसानों की, समझे, किसानों की मसला हल करने के लिए हम रात दिन, जब कोविड था कोविड के समय भी हम काम किया है, कांग्रेस हमेशा किसानों का साथ है, अधिकार आने के बाद जो भी है उनको न्याय और ये जजमेंट अगर मिलना है तो कांग्रेस सरकार आने के बाद ही उनको मिलेगा, ये जो झूठे सरकारों से वो कुछ होने वाला नहीं। और मेरा कहना ये है, जो प्रोडक्ट कंपनी वाले एक साबुन बनाता है उसका रेट कंपनी वाले ने फिक्स करता है, वैसा किसानों का अनाज उत्पन्न करता है उसका रेट किसानों ने फिक्स करना है, जो फर्टिलाइजर का खर्च आता है उसका लेबर चार्ज आता है, फर्टिलाइजर आता है, कुछ भी हर चीज जो भी है उसके महीना सारा सभी मिला के एक अंदाजा निकाल के, समझे, सरकार का एक कमिटी बनना चाहिए इसके ऊपर। बनने के बाद जैसा एक बॉटल, एक पानी का बॉटल भी कोई कंपनी वाला करता है तो उसका रेट
एमआरपी वो फिक्स करता है कंपनी वाला, प्रोडक्ट करने वाला, पैदा करने वाला, वैसा अनाज पैदा करने वाला किसान है समझे, उसका रेट जब तक किसान तय नहीं करेगा तब तक किसानों का समस्या हल नहीं होगी। और जैसा सरकारी नौकर और बोलो दूसरे को जो ये देते हैं, वैसे किसानों को बच्चे को शिक्षा मुफ्त होना चाहिए समझे, और किसानों को पेंशन मिलना चाहिए, ऐसा सरकार की योजना किसानों के हद तक रहे तो देश में 82% किसान लोग हैं, उनका जब आर्थिक परिस्थिति सुधरेगा और उत्पन्न बढ़ेगा। ये मैं आपको सेंट्रल में जब आपका गवर्नमेंट बनेगा इससे आगे या महाराष्ट्र में बनेगा तो आपके किसानों के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? किसान कांग्रेस के आपके कोऑर्डिनेटर है इसीलिए आप महाराष्ट्र में आए हुए और पंढरपुर में है तो उनके लिए क्या रणनीति होगी आगे, क्या आप किसानों के लिए क्या कहेंगे? देखिए जन आशीर्वाद किसानों का आशीर्वाद से अगर हमारा सरकार महाराष्ट्र में बना, पहला उनका संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे समझे, और जो ये प्रोडक्ट जो करते हैं एमआरपी ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, एक ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं है, अगर सेंट्रल में आए तो इसके ऊपर एक कमिटी बिठाएंगे किसानों के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, चर्चा करके जितना जल्दी हो सके सेंट्रल में सरकार आए तो वो कैसे कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट के रेट फिक्स करते वैसा किसान भी अपना उत्पन्न का रेट किसान फिक्स करेगा, ये दिन बहुत जल्दी आएगा। अगर सेंट्रल में कांग्रेस का सरकार हो, महाराष्ट्र में कांग्रेस का सरकार हो तो ये बरोबर हो जाएगा, ये मैं आश्वासन करता हूँ। अभी जब देश में मंदिरों और सभी सरकार के आगे में तो इस पंढरपुर में भी कॉरिडोर का सामने चल रहा था, बहुत ताजा वो विषय है, और उसे के लिए हल निकालने के लिए भाजपा के ही पदाधिकारी सुब्रमण्यम स्वामी जी भी आए थे, राज्यसभा के एमपी वो आए थे, तो उन्होंने भी मोदी जी के इस विरोध किया है, उसके बारे में उनको उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने भी बहुत से पहलू निकाले हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उन्हीं के पार्टी किसे के वो? देखिए एक कार्यकाल योजना, वो योजना मंदिर मस्जिद ये तमाम ऐसे करके देश में झगड़ा लगा है, हमारा जातवाद धर्मवाद समझे, मैं एक कांग्रेस का कट्टर कांग्रेसी हूँ, 1972 से मैं कांग्रेस में काम करता करते आया हूँ, और मेरे ही गांव में मैं राम मंदिर बना रहा था, राम मंदिर हनुमान मंदिर विठल रुक्मिणी मंदिर, जब गांव में चंदा करके सभी लोग मेरे पे भरोसा करते थे तो मैं बना रहे, तो मुस्लिम के तीन ही मकान थे मेरे घर में गांव में, तो वो लोग आए सर हमारा मस्जिद बनाने वाला है, मेरे को आप तीन लोग है क्या करेंगे, बोलो तो हम अभी चंदा गांव में पूरा चंदा करके हम मैंने मस्जिद भी बनाया वहां पर, और एससी समाज के हरिजन लोग आए उनको बौद्ध मंदिर बना के दिया, और क्रिश्चियन समाज के आए उनको चर्च बना के दिया, यानी कि मेरा कहने का मतलब मोहरम जब हमारे खेड़े में रूरल में बनाते तो हम हिंदू लोग आचरण करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे, गौतम बुद्ध का अगर फेस्टिवल आता है तो हम लोग मनाते थे, यानी कि कांग्रेस जात न पात सभी भाईचारा सभी एक ही जात के हम सब भाई भाई है, ये नाते से हम देश चलाए हैं। अभी ये मोदी आके राम रहीम का झगड़ा भाई भाई में झगड़ा लगाए, घर घर में झगड़ा लगा के देश के टुकड़े करने का ये सोच रहा है, ये देशवासी बहुत होशियार हो गए, अब आगे चलने वाला नहीं है, ये कारीगर गिरदर जनता को दिशा भूल उसका गलती छुपाने के लिए धर्म का आधार ले रहा है, मंदिरों का आधार ले रहा है, उसके लिए मैं उसका खंडन करता हूँ, अब जागृत हो गए, उसे बहुत जल्द 2024 में उसे नीचे उतर देंगे और हमारे राहुल गांधी बनेंगे, देश को एक नया न्याय मिलेगा, नया सूरज निकलेगा,
भारत के लिए नया सूरज निकलेगा, प्रगति का सूरज निकलेगा, गोर गरीब का सरकार होगा, जनता का सरकार होगा, ये मैं आपसे वादा। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो पहले वाली महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में थी वही अच्छी थी। उन्होंने गिरा के तोड़ मोड़ के ये बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने ये सरकार बनाई वो अनैतिक है, ऐसा भी असंवैधानिक और अनैतिक है। सुप्रीम कोर्ट में वो मसला अभी के लिए तो पेंडिंग है, वो कभी भी सरकार के रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी। ऐसा अभी आप कैसे देखते हैं इसकी तरफ? देखिए मोदी का आरएसएस का एक काम ही है, अगर जनता ने उनको मेजोरिटी नहीं दिया तो पैसे के बल पे, मैंने अभी कहा ये मोदी का सरकार नहीं, ये बिजनेस वाले का कमर्शियल यानी कि अंदानी अंबानी का सरकार है, उनके पास जो पैसा है ये है, जनता का जो जजमेंट है उसको बेच के अपना एमपी एमएलए परचेज करके खरीद करके सरकार गिराना उनका देह है, वो चल रहा है, जनता देख रही है, समझे, जनता देख रहे हैं, उनको सबक मिलेगा। जहां पर भी कर्नाटक में भी वो ऐसा किया, महाराष्ट्र में किया, हर जगह किया, अभी पांडिचेरी वालों भी करने का कोशिश किया, तेलंगाना भी करने का कोशिश किया, तेलंगाना में फेल हो गया, पांडिचेरी में भी फेल हो गया। जनता ने क्लियर मेजोरिटी से हमारा राहुल जी का पद यात्रा, राहुल जी का ये देख के नेतृत्व चाहिए बोल के मोदी को ठुकराया है, आगे भी पूरा देश की जनता उसे ठुकराए। अभी एक आखिरी सवाल, पिछले पिछले बारे में अभी जो कांग्रेस में नई पदाधिकारी नियुक्ति हुई और पुराने वगैरह जो भी है पदाधिकारी उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे कि वो आगे कैसे वो बॉन्डिंग करेंगे कांग्रेस के लिए काम करने के लिए, वो सत्ता लाने के लिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए कांग्रेस में अध्यक्ष बनते हैं तो उनका अवधि रहता है 3 साल, 3 साल के बदलाव तो करना ही पड़ेगा, समझे। अब पीछे बहुत दिनों से अध्यक्ष का अच्छा काम अच्छा ये देखते हुए पुराने अध्यक्ष को कंटिन्यू किया गया था, अब पहले सोनिया गांधी थी, पहले राहुल गांधी थी, बदलाव हुआ क्या नहीं? अब खड़गे आए, खड़गे जी आए हैं, समझे, वैसा परिवर्तन होते रहता है, एक ही आदमी लास्ट तक नहीं रहता है, समझे। अभी जो हम लोगों ने राहुल गांधी का सोच है कि यंग जनरेशन को हम काम देना चाहिए, यंग जनरेशन के हाथ में पावर देंगे, यंग जनरेशन को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, युवकों को प्रेफरेंस देंगे, उस हिसाब से हम जिला अध्यक्ष के नाते अब ब्लॉक अध्यक्ष हमने चेंज किया है, अभी वो जो पुराने अध्यक्ष है उनका साथ देंगे, उनका राय मशवरे के ऊपर ये चलेंगे आगे, समझे, इसमें कोई भेदभाव नहीं, हम सबको लेके चलने वाले हैं, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं, किधर जाने वाला नहीं। अभी हम लोग का जो टूर है ये 2024 में 288 विधानसभा महाराष्ट्र में हम बूथ कमेटियां बनाने के लिए दौरा कर रहे हैं। एआईसीसी हमारे सम्माननीय एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे जी के आदेश के ऊपर, हमारा किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा जी के आदेश के ऊपर अभी आने वाले चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। हम बूथ कमेटियां बनाएंगे 288 विधानसभा के, हर बूथ पे हमारा 25-40 कार्यकर्ता बूथ कमेटी में रहेंगे, वही उसी बूथ से पंचायत चुनाव होगा, उसी बूथ से तालुका पंचायत चुनाव होगा, उसी बूथ से जिला पंचायत चुनाव होगा, उसी बूथ से एमएलए चुनाव होगा, उसी बूथ से लोकसभा का भी चुनाव होगा, इसलिए हम बूथ वाइज कमेटियां बना रहे हैं पूरा तैयारी के साथ। 2024 में 48 पार्लियामेंट सीट में हम 38-40 सीट हम जीतेंगे, क्या आपको मैं आश्वासन देता हूं। 288 में 210 सीट तो हम 100% कांग्रेस के आएंगे, सरकार हमारा बनेगा, उसलिए हम आज से ही तैयारियां
करने चालू किए हैं और ये हम एक 8 महीने के 7-8 महीने के अंदर चुनाव से पहले हमारा पूरा कमेटी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा हमारा जिले जिला अध्यक्षों का सहयोग मिल रहा है, ब्लॉक अध्यक्षों का सहयोग मिल रहा है, जनता का हमारा कार्यकर्ता का सहयोग मिल रहा है और जनता का भी समर्थन हमको मिल रहा है। और वही जो बूथ का टीम हम बनाते हैं, जो किसानों का समस्या हो और दूसरे का भी कुछ भी छोटा मोटा समस्या हो, वो एक कमिटी हम बना के वहां का वहां गांव में उनका जो भी समस्या का हल उधर ढूंढना, अगर नहीं बोले तो सरकार के साथ झगड़ा करेंगे, जिला अधिकारी कचहरी तक जाएंगे, उनको न्याय मिला देने का काम वो टीम कराएगा। हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता में मिलके जनता का दुख दर्द समझ के काम करने के लिए अभी हमने मोर्चा खोला है, अब चल रहे हैं जनता के सेवा में। अभी अभी जो पिछले गलतियां जो हुई है, खास करके देश में बहुत से ठिकाने हो चुका है और उसमें से भी ज्यादा खास करके महाराष्ट्र में, वो स्थानिक लेवल के हिसाब से कांग्रेस से कांग्रेस के ही आपके पदाधिकारी एमएलए होंगे या एमपी होंगे और कोई भी होगी, वो अदर पार्टी के साथ अलायंस करके उसका छोटे विपक्ष दल जो है उनके साथ अलायंस कर रहे हैं लोकल लेवल में, लोकल लेवल में कर रहे हैं और उनके साथ वो उनके सोई कर बिता रहे वो उधर पे उनके विचार के लोग। ऐसा आगे आने वाले चुनाव में होगा क्या कांग्रेस के लिए? वो अच्छा है क्या? वो अच्छा है क्या? वो देखिए जो भी गलतियां कांग्रेस के टिकट पे कांग्रेस के चिन्ह पे चुन के आए सो लोग अधिकार कांग्रेस के आशीर्वाद से चुन के आए पावर में रहे मंत्री बने, अगर वो लोग ऐसा अगर दूसरे पार्टी से शामिल होकर अंदर से गठबाजी करके पार्टी को अगर धोखा करेंगे, समझे ये पार्टी के नॉलेज में आया है और थोड़े दिनों में हमारे हाईकमान के नॉलेज में भी मैं लाऊंगा और जो गद्दारी किया है पार्टी से उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे एआईसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको मैं सूचित करूंगा और आगे चल के ऐसा गद्दारी कोई नहीं करेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। म्युनिसिपैलिटी और जो जड़पी के लोग जो आ रहे हैं महाराष्ट्र में 288 जो विधानसभा असेंबली है उसमें आ रहे हैं, उसके साथ अभी शिवसेना और राष्ट्रवादी एनसीपी का आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके जो अध्यक्ष है खड़गे साहब जी है उनका क्या उधर डिसीजन क्या होगा उधर? लेकिन देखिए अभी पीछे हमारा गठबंधन था कांग्रेस शिवसेना एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन था और ये मेरी बस की बात नहीं, ये हमारा एआईसीसी के अध्यक्ष सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी ये डिसाइड करेंगे आने वाले समय में, वो देख के जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे।